सत श्री अकाल जी। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, हेल्दी होंगे। आज की जो वीडियो है वो होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर, होम सपोर्ट वर्कर के बारे में ही है। और जो इस वीक में, लास्ट वीक में जो मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं पूरे वीक में कमेंट यूजर्स के कमेंट बॉक्स पर, उनके आंसर देने की मैंने कोशिश करी है। अगर कुछ रह भी जाते हैं तो मैं उन्हें कैरी ऑन करूँगी। अगर आपके फिर भी कोई डाउट नहीं क्लियर होते तो आप वीडियो के एंड में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उसके एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। आप, मुझे रिक्वेस्ट है कि शुरू से लेकर एंड तक वीडियो ज़रूर देखिए। फर्स्ट है, काफ़ी बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं कि जो नैनी प्रोग्राम है, जो होम सपोर्ट वर्कर, होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो 18 से 45 तक एज का हो, उसके पास नैनी कोर्स करा हुआ हो और उसकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन, और उन्हें 2 साल का कोई, या अगर ग्रेजुएशन नहीं है तो उसने 2 ईयर्स का डिप्लोमा करा हुआ हो और वो भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कोर्स करा हुआ, जिसकी ECA होती हो। उसके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस फील्ड में जाना है। जो होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर है वो बच्चों की होती है, बच्चों की केयर करनी होती है हमने, उसमें बच्चों का सारा ध्यान रखना होता है, उसकी केयरिंग, उसकी, उसे क्या खिलाना है, उसे क्या पिलाना है और उसे क्या पढ़ाना है, उसकी पूरी हमने एक परवरिश करनी होती है एज एक नैनी जो होती है, सेकंड मदर ही होती है। जो होम सपोर्ट वर्कर होता है उसमें डिसेबल और ओल्ड एज पर्सन आ जाते हैं जो 65 से अबव हो, उन्हें कोई, या तो कोई, जैसे ओल्ड एज पर्सन को प्रॉब्लम्स आती हैं, अल्जामा होता है, डायमेंशिया की प्रॉब्लम होती है, भूल जाते हैं, किसी को उनके क्या बोलते हैं, गोडों में प्रॉब्लम आ रही होती है, किसी को चलने में प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की, शुगर की, हर टाइप की बीमारी है, पर इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो और आइलेट्स में आपके जो बैंड हैं वो मिनिमम 5 होने चाहिए, जनरल की आइलेट्स होनी चाहिए, जो आपकी रीडिंग का जो मॉड्यूल है उसमें आपके 4 भी मिनिमम चल जाएंगे। इसके लिए मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाई है, वो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। जो लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग है इसमें 5 चल जाएंगे, यानी कि आपका CLB स्कोर जो होना चाहिए वो मिनिमम 5 होना चाहिए, और अगर हम कंप्यूटर बेस करते हैं उसे 5.5 होने चाहिए, वहाँ पर आपकी ईच 5 होने चाहिए। सेल्फी अगर हम कंप्यूटर और आइलेट्स जनरल की, एकेडमी की आइलेट्स नहीं चलेगी, PT नहीं चलेगी। काफ़ी बच्चे मेरे को फ़ोन करके पूछते कि हमारी PT चलेगी कि नहीं चलेगी। मैं पहले कहती हूँ PT नहीं चलेगी। तो आपके पास, जैसे आप होम सपोर्ट वर्कर में हैं तो आपके पास इस फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि आपने ओल्ड एज या डिसेबल केयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी इनकी केयरिंग करी हो, आपको इनके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप चाइल्ड केयर के बारे में जा रहे हैं तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एक, जैसे मेरा ही बच्चा है, मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर मेरा बच्चा है, मैंने उसकी केयरिंग करनी है तो मैंने एक नैनी हायर करनी है। अगर नैनी को प्रॉपर नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एक मेरे पास, सपोज करिए, सॉरी, एग्जाम्पल प्रॉपर ही देती हूँ कि मैंने अपने बच्चे की केयरिंग के लिए नैनी रखनी है, तो मेरे पास 2 कैंडिडेट आते हैं। एक जो आता है फ्रेशर आता है, उसके पास सारा कुछ है, और एक कैंडिडेट आता है उसके पास एक्सपीरियंस भी है, उसको भी नॉलेज है। तो मैं जिसे प्रेफर करूँगी तो मैं एक्सपीरियंस वाले बंदे को करूँगी, क्योंकि उसे पता होगा इस बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चा मूडी होता है, बच्चा कभी मानता नहीं है, जिद करता है, बच्चे को टाइटल करना बहुत ज़रूरी है, पर जिसको एक्सपीरियंस होगा वही करेगा, ठीक है ना। ऐसी ओल्ड एज पर्सन, अब ओल्ड एज पर्सन की जिसको नॉलेज होगी कि भी ओल्ड एज पर्सन को सामने जा रहा है, तो ओल्ड एज पर्सन भी, उनका भी मूड स्विंग होता है, कभी गुस्से हो जाते हैं, कभी उनका बिहेवियर नॉर्मल होता है, कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो पर जिसको एक्सपीरियंस होगा, जिन्होंने टाइटल करा हुआ है,
ऐसे ओल्ड एज पर्सन को उनके लिए ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है। और जिन्होंने डिसेबल बच्चों को केयरिंग करी हुई है उनके लिए भी बहुत, अगर उनकी एक्सपीरियंस है तो बहुत बेटर है। अब जैसे होम स्पोर्ट वर्कर में जो है इस साल की एप्लीकेशन क्लोज हो चुकी है 2021 की, 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट हुई थी और अप्रैल तक मोस्टली खत्म हो गई है। अब होम स्पोर्ट वर्कर में बचे भी हैं एप्लीकेशंस, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है और होम स्पोर्ट वर्कर का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम वो इस फील्ड में पूरा जा सकती है क्योंकि उनके पास पेशेंट केयर का एक्सपीरियंस होता है, वो इस फील्ड में जा सकती हैं अगर उनके पास एम्प्लॉयर है। अब कनाडा में जो एम्प्लॉयर है उसके पास क्या होना चाहिए, बच्चे पूछते हैं कि हमें, हमारे पास जॉब ऑफर नहीं है, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, उसके पास अपना घर होना चाहिए, उसका जो टैक्स देता हो 70,000 से लेके 80,000 या उससे ज़्यादा भी उसकी इनकम हो तो चलेगी, और उसके पास या बच्चा या बुजुर्ग होना चाहिए जिसकी केयरिंग के लिए वो बुलाना चाहता हो, तो वो एक प्रूफ करना, वो आपको एक जॉब ऑफर देगा, वो एक जॉब ऑफर देगा कि मैंने एक दैनी टेम्परेरी फॉरेन वर्कर कैन बाहर से बुलानी, आउटसाइड कनाडा से बुलानी है, मुझे इसकी ज़रूरत है, तो वो जॉब ऑफर देगा। उस जॉब ऑफर पर आप अपनी अप्लाई करेंगे, पर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, जो ईसीए प्रॉपर होनी चाहिए, आइलेट्स होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, नैनी का कोर्स होना चाहिए, पूरे आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपने प्रूफ ऑफ फंड्स के बारे में भी काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, मिनिमम आपके जो 5 लाख चल जाते हैं, मिनिमम जो आपने अपने प्रूफ करने होते हैं फंड, जो अपने फाइल्स में लगाने होते हैं। ये आपको मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन नैनी के बारे में दी है, कोशिश करिए अपनी तरफ से तो पूरी देने की, अगर कुछ रह भी जाती है तो आप कमेंट बॉक्स पर मैसेज छोड़ सकते हैं, तो आपको इसका आंसर दिया जाएगा। अब मुझे एक यूज़र ने पूछा था कि मैंने फरवरी 2021 में, अब मैं कमेंट्स के आंसर देती हूँ आपको, तो एक यूज़र ने पूछा था कि मैं फरवरी 2021 में मैंने फाइल अप्लाई करी थी अपनी नैने की होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर की, तो अभी तक मेरा फाइल नंबर नहीं आया है, तो मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि जो आपका फाइल नंबर है आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी जितने जनवरी में जिन्होंने जिन्होंने अप्लाई करा और उनके फाइल्स नंबर आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि लास्ट मंथ कनाडा गवर्नमेंट ने अनाउंस ही करा था कि केयर गिवर्स के जिनके फाइल्स नंबर नहीं आए हैं अभी तक, हम उन सबको मई तक या जून तक प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो आप फाइल नंबर आपका आ जाएगा, होप है कि इस महीने में या नेक्स्ट मंथ में आपके पास आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो मैं आपको ये कहूँगी एडवाइस कि आपने जिससे फाइल अप्लाई करी है उन्हें कहा, उन्हें कहिए आप कि एम्बेसी में आप मेल करिए और उनसे अपनी फाइल का स्टेटस आप पूछिए। काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि हमारा फाइल नंबर आ गया है, हमारे पास यूसीआर नंबर भी है, अगला नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं। जो आपका यूसीआर नंबर है वो आप ऑनलाइन जाके चेक भी कर सकते हैं कि आपकी फाइल का क्या स्टेटस है, और दूसरा है कि नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा हमें एक्सप्लेन करा जाए, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आपके पास आपने, अगर आपने कंसल्टेंट ने अपनी मेल दी है तो उस पर आगे स्टेप आएंगे कि आपने क्या आएगा, इंटरव्यू आना है, आपका मेडिकल आना है, या आपको कुछ भी आना है, या तो आपको सीधा जो भी आएगा उनको स्टेप दिए जाएंगे आपकी ईमेल पर, या तो आपने अपनी ईमेल दी है तो उस पर आ जाएगा। अगर फिर भी थोड़ा सा लेट हो रहा है या कुछ हो रहा है तो आप अपने कंसल्टेंट से कह सकते हैं कि ईमेल एम्बेसी से करके आपका फाइल का स्टेटस पूछ सकते हैं, या अपना यूसीआर नंबर लेके ऑनलाइन आप चेक भी कर सकते हैं। काफ़ी यूजर्स ये कह रहे हैं कि हमने 2020 में फाइल लाई है और मैम आप कह रहे हो 2019 के रिजल्ट आएंगे, तो 2020 वालों के कब आएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल है, कनाडा ने जो अनाउंस करा है वो अभी 1500 एप्लीकेशन पर फाइनल डिसीजन देना है,
अब भी अगर देखा जाए तो जो 2019 में लगाए तो अभी तक उनके भी डिसीजन नहीं आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए, जो मैं जितना गैस कर रही हूँ कि 2019 के थोड़े पहले रिजल्ट आएंगे, तो ये अच्छा होप है, अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है कि अगर उनके रिजल्ट आएंगे तो नेक्स्ट हमारे रिजल्ट्स भी आएंगे। तो ये अच्छी एक, अब देखा जाए तो कि 1.5 साल 1.5 साल बाद एक गुड न्यूज आई है जो सभी केयर गिवर्स ने फायर सिखाई है, उनके लिए एक होप तो जागी है। पहले तो ये भी न्यूज नहीं थी अगर हम देखा जाए तो जो 2019 में जिन्होंने लगाई है उनके तो रिजल्ट्स आएंगे आएंगे। तो नेक्स्ट जो 2020 वाले उनके एक स्टेप बाय स्टेप होगा, फिर 20 वालों, फिर 21 वालों, ऐसे सारा कोटा क्लियर करा जाएगा। क्योंकि अभी तक केयर गिवर को वीजेस ने प्रोग्राम में मिल नहीं पाए। काफी लोग कहते हैं कि आप कहते हैं 2019 तक कोई वीजा भी मिला नहीं है। अगर देखा जाए तो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, कनाडा ने सिर्फ स्टूडेंट्स को और पीआर होल्डर्स को ही अलाउ करा हुआ था और एजेंशियल्स वर्कर्स को, नैनी का कहीं जिक्र नहीं आया कि उनको अलाउड करा हुआ है कि उनको वीजा देके कनाडा में बुलाया जाए। आप ये खुद भी चेक कर सकते हैं पूरे हो देखा जाए तो, क्योंकि महामारी है, पेंडेमिक आ गया एकदम से, उसने सभी डिस्टर्ब कर दी, हर चीज नॉर्मल लाइफ जो हम जी रहे थे वो सब डिस्टर्ब हो चुकी है। तो उससे कर नॉर्मल प्रोसेसर भी स्लो हो गया थोड़ा, पर इस बार होप ये है कि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, हमें होप तो मिली, पहले तो ये भी होप नहीं थी हमारे पास। और कुछ का क्वेश्चन होता है कि मेरा स्कूल जो है लॉकडाउन करके बंद है, मैं उसका एक्सपीरियंस कैसे लगाऊं? काफी जो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट्स हैं स्कूल्स में वर्किंग कर रहे हैं, वो होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर की फाइल लगाना चाहते हैं, तो अपना एक्सपीरियंस भी यूटिलाइज करना चाहते हैं। उनका कहने का मतलब है कि लॉकडाउन करके स्कूल्स बंद हैं तो हम वो लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। सबसे पहले तो जो स्कूल टीचर्स हैं वो सभी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस तो लग जाएगा, वो होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर में यूटिलाइज अपना कर सकते हैं। जो कोई हॉस्पिटल में काम कर रहा है वो भी ये अपना होम सपोर्ट वर्कर का लगा सकते हैं, GNM, BSc नर्सिंग, काफी स्टूडेंट्स होते हैं, पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स ही काफी हैं जिन्होंने लैब टेक्नीशियन का कोर्स करा हुआ है, OT का कोर्स करा हुआ है, एक्सरे का करा हुआ है, तो वो भी नैनी कोर्स में है। तो एक यूजर का मैसेज आया था कि उसने 1 ईयर का कोई कोर्स करा यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, पर उसकी ECA नहीं हुई। पहले भी आपको कहूँ कि 1 ईयर की ECA नहीं होती, वैसने जो है उसकी एप्लीकेशन कैरी ऑन नहीं करी, उसकी एप्लीकेशन कैंसिल कर दी। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ECA करवानी, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नैनी का आपने करवाना है ना, तो आप किसी एक्सपीरियंस बंदे को कांटेक्ट करिए जिसको एक्सपीरियंस हो इस लाइन में। तो उसने ECA करी, उसकी कैंसिल होगी, उसका टाइम वेस्ट हो गया, अब वो फिर दोबारा कोर्स करेगी फिर होगी। तो 1 ईयर का कोर्स हो, कनाडा की ECA करती नहीं है ना, वैस 1 ईयर का करती नहीं है, बाकी एजेंसीज भी नहीं करती हैं, क्योंकि वो उसको क्या देंगी, कनाडा में 6 महीने का कोर्स देंगी, इक्विवेलेंट 6 महीने का कहेंगे टेक्निकली अगर सोचा जाए। जो 2 साल का कोर्स करके आता है कैंडिडेट उसको 1 ईयर का देती है अगर जिस फील्ड में वो रेलिवेंट होता है, पर यूनिवर्सिटी रिकोगनाइज होनी चाहिए। अगर आप कोई प्राइवेट बोर्ड से करके आ रहे हो, कंप्यूटर का कोर्स लगा रहे हो, वो आपका नॉट रिकोगनाइज आता है ECA में। आप किस मर्जी जो 5 एजेंसी हैं जिस मर्जी से आप करिए अपना वैल्यूएट, उससे नॉट रिकोगनाइज आएगा, वो आपका टाइम वेस्ट है, पैसा वेस्ट है। जब भी आप कोई कोर्स चूज करो सबसे पहले यूनिवर्सिटी के बारे में देखो कि रिकोगनाइज है कि नहीं है, क्योंकि कल को उसकी ECA भी होनी है, वैस होनी, ICAS होनी, IQS होनी, जो आपको अच्छी लगती है 5 एजेंसी में आप उनका कर सकते हो। तो ये तो क्वेश्चन से काफी जो होते, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि होम सपोर्ट वर्कर का, अब हम होम सपोर्ट वर्कर में अपनी फाइल लगा सकते हैं क्योंकि चाइल्ड केयर की तो क्लोज हो चुकी है। काफी कह रहे हैं कि अभी 400 फाइलें बची हुई हैं, पर 400 फाइलें होम सपोर्ट मतलब चाइल्ड केयर की, सॉरी,
नहीं बचीज और ऑलमोस्ट क्लोज हो चुकी हैं, आप एम्बेसी की वेबसाइट पर भी जाके चेक कर सकते हैं। पर आप होम सपोर्ट वर्कर के लिए एलिजिबल हो तो आप फाइल लगा सकते हो, नहीं तो ये भी थोड़े दिनों में, एक दो महीने तक ये भी फुल हो जाएंगी, फिर नेक्स्ट ईयर में ही आप लगा सकते हो। और जैसे ये फुल होंगी वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, आपको अपडेट जरूर दूंगी उसका। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर फिर भी आपके क्वेश्चन रह गए हो कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कहिए, अगर फिर भी कहीं कंफ्यूजन है, आपको नहीं समझ आता तो कमेंट बॉक्स पर रिक्वेस्ट है आप मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई बकायदा एक वीडियो बना के नेक्स्ट वीक में आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। आप मेरे नंबर नोट कर सकते हो, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, बाय चांस मैं कॉल पिक नहीं कर पाती, मैं नंबर आपके साथ शेयर कर देती हूँ, 9592-686-9942। दूसरा नंबर है 8427-328-156। थैंक यू सो मच।